लास्ट टाइम जब मैंने अपना लुका लाइक पोस्ट किया था तो उसमें हमारे पास आई थी ये, और मुझे काफी सारे कमेंट आए थे कि मैं ये रिक्रिएट करूं, शायद मेरा फेस कुछ रिजेम्बलेंस में आ रहा है इनके साथ में भी। तो चलिए ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये एल्फ की ब्रो पेंसिल के साथ मैं अपने आईब्रो को थोड़ा सा फिल करूंगी। आई पे मैं एले गर्ल का पीच कंसीलर यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा जी ब्राउन शेड लेकर मैं अप्लाई करूंगी यहाँ, क्योंकि मेकअप की कोई समझ आ नहीं रही कि हुआ क्या हुआ, इसीलिए सिर्फ ब्राउन सा शेड लेकर इसे हम अप्लाई करेंगे अपनी आईलिड पे। थोड़ा सा अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। आईलाइनर मैं एल्फ का यूज करूंगी, बड़ा ही प्यारा इसका बारीक सा निब है, इसके साथ आईलाइनर का शेप बड़ा ही अच्छा बन जाता है। ये हो गया जी हमारा चकाचक आईलाइनर। आईलाइनर मैंने ऑफ कैमरा लगाया, मैंने कभी खराब ना हो जाए यार कैमरे के सामने आके। तो ये रहा आईलाइनर, मैं हल्की फुल्की सी आईलैशेस लगाऊंगी। आईलैशेस में ये लगाऊंगी जो बिल्कुल हल्की हल्की सी है। ये रही जी हमारी आईलैशेस और आईलाइनर। क्या हमारी आंखें सेम लग रही है? नहीं लग रही, क्योंकि मैंने लेंसेज मिल गए हुए तो सेम लेंसेज नहीं है मेरे पास। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई मिलते जुलते मिलते हैं तो मैं वो लगाऊंगी। मेबेलिन का फाउंडेशन यूज किया मैंने, इसको मैं करूंगी अच्छे से ब्लेंड। अब बारी है एरियाज को हाईलाइट करने की। फोरहेड और अंडर आई एरिया में हाईलाइट करूंगी कवर गर्ल के कंसीलर से। इसका शेड है वार्म न्यूड, इसे अप्लाई करेंगे जी हम यहाँ और अप्लाई करेंगे यहाँ चिन पे, मे बी नोज पे भी है। थोड़ा सा सेट करेंगे इसे पाउडर के साथ ताकि हमारे पास थोड़ा अच्छा सा वाइट सा इफेक्ट आ जाए इसका। भैया आप में से अगर किसी को डर लग रहा है ना तो अभी से चले जाओ, मेरे कमेंट में आके ना दिखना मैं तो डर गई, मुझे समझ नहीं आती डर से चुनने का कि मैं तो डर गई। ये वाला कमेंट पढ़ के मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है। चलें जब तक यहाँ पाउडर सेट हो रहा है थोड़ा सा ब्रॉन्जर यूज करेंगे। मेबेलिन सिटी ब्रॉन्जर यूज करी हूँ 300 शेड में। इसे मैं लगाऊंगी यहाँ से लेकर अपने जॉ लाइन के पास तक, क्योंकि काफी नीचे आ रहा है शेड। तो चलें इसी तरह से लगाते हैं, थोड़ा ड्रैग करके इसको नीचे की तरफ। थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगाऊंगी मैं अंडर आई, बिल्कुल लोअर लैश लाइन के पास पास लगाना है इसको, और इसी को मैंने कर दिया अच्छे से ब्लेंड। यहाँ मुझे कोई ब्लशन और हाइलाइटर तो नहीं नजर आ रहा, डायरेक्ट लगाएंगे लिपस्टिक। ये प्रोफियन की लिक्विड मैट लिपस्टिक है, इसका शेड है बिटन। यही कुछ शेड मेरे पास है जो मुझे कुछ मैच होता हुआ लग रहा है, मैं इसको लगाऊंगी। ये हो गया जी मेकअप। क्या हम एक जैसे लग रहे हैं कि हेयर स्टाइल भी चेंज करूं? बस यही है फाइनल लुक। ये रहा जी हमारा फाइनल लुक। क्या हम सेम लग रहे हैं? थोड़ा पीछे होकर दिखाऊं, क्या हम लग रहे हैं सेम? चलें अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया और मेकअप अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। ये है हमारा फाइनल लुक, हेयर स्टाइल सही कर।